बलि देने वाला डॉक्टर लाश के 56 टुकड़े की। घर में नीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार। क्या आपने कभी नर बलि देने वाले डॉक्टर के बारे में सुना है? यदि नहीं तो आज हम आपको एक नर बलि देने वाले डॉक्टर के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मामला केरल का है जहाँ पर पुलिस ने बताया कि बलि देने वाले डॉक्टर दंपति ने दो महिलाओं को बांधकर पहले टॉर्चर किया, एक लाश के 56 टुकड़े की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दोनों महिलाओं की छाती भी काट दी थी। केरल में दो महिलाओं की नरबलि का मामला यानी मंगलवार 11 अक्टूबर को सामने आया। घटना 27 सितंबर की है। केरल के त्रिवल्ला में अंधविश्वास के चलते डॉक्टर भगावल सिंह और उनकी पत्नी लैला ने दो महिलाओं की गला रेत कर हत्या कर दी। दोनों शवों के टुकड़े कर उन्हें दफना दिया। आरोपियों को भरोसा था कि ऐसा करने से उनके घर में धन वैभव आने लगेगा। इस काम में एक तांत्रिक मोहम्मद सफी ने उनकी मदद की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। मानव तस्करी की करता था मुख्य आरोपी तांत्रिक सफी। त्रिवल्ला के रहने वाले डॉक्टर भगावल काफी समय में आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी लैला ने पेरुम्बलूर के रहने वाले तांत्रिक सफी से कॉन्टेक्ट किया था। उन्होंने कहा, मानव बलि देने से ही भगवान खुश होंगे। उसने दो महिलाओं की बलि देने को कहा। साथ ही यह भी बताया कि यह बलि के लिए महिलाओं का इंतजाम भी कर देगा। वह मानव तस्करी भी करता था। पुलिस ने इस मामले में सफी को मुख्य आरोपी मनाया है। लैला ने फेसबुक के जरिए तांत्रिक से कांटेक्ट किया। तांत्रिक कलाड़ी और कदवंतरा का रहने वाला दो महिलाओं को पैसों और काम का लालच देकर त्रिवल्ला लाया। यहां से डॉक्टर दंपति और तांत्रिक दोनों महिलाओं को लेकर मथुरा मथुरा के एंथलूर गए। यहीं तंत्र साधना करके उन्हें बलि दे दिए। एंथलूर में ही दोनों महिलाओं को दफना दिया गया। महिला की तलाश में उसके मोबाइल की लोकेशन के जरिए त्रिवल्ला पहुंची। वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद महिला का डॉक्टर से संपर्क होने का पता चला। पुलिस ने डॉक्टर दंपति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने पूरा राज खोल दिया। इसके बाद तांत्रिक सभी व डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम विजयन बोले, काला जादू सभी समाज के लिए खतरा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि मानसिक बीमार लोग इस तरह के अपराध कर सकते हैं। काला जादू और जादू टोना सभी समाज के लिए खतरा है। बने रहने तो खबरदार न्यूज के साथ।